हेलो फ्रेंड्स, आप सभी फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डेट में सबसे जरूरी दस्तावेज है वो है आधार कार्ड। हर जगह पे आधार कार्ड मांगा जाए और हर जगह पे हम आधार कार्ड दे देते और फिर बाद में सोचने लगते कहीं ये आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, क्योंकि आधार कार्ड बैंक में भी लिंक है और यहाँ पे भी दे दिए, तो इससे डर बना रहता है कि हमने कहाँ कहाँ पे आधार कार्ड दिए और उसका कहीं गलत इस्तेमाल करके हमारे बैंक का पैसा तो नहीं निकाल ले और फिर कहीं डाटा कलेक्ट करके कोई और कांड तो नहीं कर दे। ये सब हमें डर बना रहता है, तो इससे कैसे बचा जाए और कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से पता लगा सके कि हम अपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए और कौन कौन से परमिशन दिए हैं। तो दोस्तों, एक तरीका है जिसकी मदद से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हम अपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए और कौन कौन से परमिशन दिए, ये सारा डिटेल्स आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए आपको हम मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाएंगे और स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोस्तों ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए प्लीज़ पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सामने के ही सर्च बार पे टाइप करना है uidai.gov.in। अब ऊपर में ही लेफ्ट साइड में तीन लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, माई आधार के सेक्शन में जाना है और आधार सर्विस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, उसके नीचे सिक्योरिटी कोड इंटर करना है और फिर सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जिसको नीचे में सबमिट करना है, तो स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन आप चेक करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, OTP, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक एंड OTP, डेमोग्राफिक एंड OTP। तो सबसे अच्छा है कि ऑल पे क्लिक करके रखिए और नीचे आएंगे तो डेट सेलेक्ट करना है कि किस दिन से किस दिन तक का देखना है, तो ये लास्ट 6 महीना का दिखाता है, तो चलिए 6 महीना का डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर स्क्रॉल करना है नीचे और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड बताना है कि कितना रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रिकॉर्ड बताएगा, तो चलिए हम 50 टाइप कर देते हैं। और इसके नीचे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसको यहाँ पर सबमिट करना है और फिर वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स लोड हो चुका है, अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स हो रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप ऑल, सभी टाइप के ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लोड हुआ है और डेट रेंज बता रहा है इस डेट से इस डेट के बीच का पूरा डिटेल्स आया है। उसके नीचे ट्रांजैक्शन और नोटिफिकेशन कोड आया है, पहला है OTP, दूसरा OTP और बायोमेट्रिक है, तो मतलब OTP कब कब ऑथेंटिकेट किया गया पूरा लोड हो गया 8 है और 9वां नंबर में बायोमेट्रिक है। और बायोमेट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, या तो बैंक ऑफ इंडिया से आप मिनी स्टेटमेंट चेक किए होंगे या फिर बैलेंस इंक्वायरी किए होंगे या फिर कैश विड्रॉ किए होंगे बायोमेट्रिक की मदद से, तब यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा है। उसके नीचे देखिए फिर से बायोमेट्रिक लगाया गया है बैंक ऑफ इंडिया में, उसके नीचे डेमोग्राफिक है, ये सारा डिटेल्स आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, ये सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, टोटल 30 रिकॉर्ड शो हो रहा है, लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से आप पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कब हमारे आधार कार्ड को किस माध्यम से ऑथेंटिकेट किया गया, OTP के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर डेमोग्राफिक के थ्रू, तो सारा डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और इसी तरीके से किसी अगले टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो चलिए चलते मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।